नमस्कार एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का ये जो सुंदर सा व्यू देख रहे हैं आप, ये हमारे यहाँ बैंगलोर में आज की सुबह का है और ये व्लॉग मैं 10 बजे शूट कर रही हूँ। तो 10 बजे देखिए इतना अच्छा मौसम है और मुझे लग रहा है पूरा दिन आज ऐसे ही जाने वाला है। और ये देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल अपने घर पे हूँ, यानी यूपी में हूँ, क्योंकि आजकल वहाँ पे सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है यूपी बिहार साइड और नॉर्थ साइड अगर मैं बोलूँ तो। एंड वहाँ पे कोहरे वाली जो सुबह होती है, जो आजकल सुबह हो रही है, बिल्कुल ऐसी ही हो रही है। और जब ऐसा मौसम हो तो कुछ स्पेशल खाने का मन कर देता है और आज ऐसी ही कुछ स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लॉग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक एंड शेयर करिए। तो आज बनाते हैं पालक पनीर, जिसके लिए मैंने पालक को काट के अच्छे से धुल के और उसको गर्म पानी में बॉईल कर लिया था। एंड उसके बाद अच्छे से आपको इसको छान लेना है। छानने के बाद आपको इसमें ठंडे पानी का यूज़ करना है, उसमें डाल देना है। यहाँ पे मैं नॉर्मली पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ का पानी वैसे ही ठंडा है। तो बिल्कुल आपको ठंडे पानी का यूज़ करना है ताकि जो अभी जो आप भाप देख रहे हैं निकल रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो देखिए मैंने ठंडे पानी का यूज़ किया। उसके बाद इसको आपको अच्छे से छान लेना है, छान लें चाहे ऐसे हाथ से पानी निचोड़ के निकाल लें। एंड फिर आपको मिक्सी के जार में जिसमें इसको पीसना है उसमें डाल दें। डालने के बाद पालक मैंने डाला है, साथ में मैंने थोड़ा सा अदरक डाला है और लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने चार पतली पतली। और साथ ही मैंने मसाले रेडी किए हैं, कटी हुई लहसुन, कटा हुआ बारीक हरी मिर्च और कटी हुई बारीक प्याज। और साथ में मैंने कुछ साबुत मसाले यानी खड़े मसाले जिसको बोलते हैं वो मैंने लिया है, तेजपत्ता, थोड़ी सी बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो लौंग और एक दालचीनी। दालचीनी से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। और साथ ही मैंने लिए हैं तीन कटे हुए टमाटर। ये सारी चीजें आपको बारीक काट लेनी है। अब चलते हैं तो बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रखी और उसमें कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड किया है और बटर ऐड किया है। बटर की क्वांटिटी आपको थोड़ी तेल से ज्यादा रखनी है और खड़े मसाले और हरी मिर्च को मैंने इसमें डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, थोड़ा भुन जाए और उसका जो फ्लेवर है खड़े मसालों का वो बिल्कुल हमारे बटर के साथ मिक्स हो जाए और पालक पनीर में उसका टेस्ट अच्छा आए। तो देखिए बहुत अच्छे से ये भुन चुका है और कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ कटे हुए जो हमारे लहसुन है उनका यूज़ करती हूँ, उसको डाल के और मिक्स कर लेते हैं। लहसुन को भी आपको हल्का गोल्डन होने तक भून लेना है एंड जो गैस की फ्लेम है आपको वो बहुत मीडियम से भी थोड़ा कम ही रखना है वरना मसाले जल जाएंगे। धीरे धीरे बनाइए ताकि अच्छा बने, वरना जल्दीबाजी में जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसमें अनियन ऐड कर देते हैं कटा हुआ, और अनियन का भी जो कलर है आपको बिल्कुल थोड़ा सा जो पिंकिश अगर बोले हमारी भाषा में तो थोड़ा सा पिंक कलर का हो जाए तब तक आपको इसको भून लेना है अच्छे से। आप ध्यान रखें कि आप इसको बिल्कुल चलाते रहें, छोड़े नहीं वरना जल जाएगा। और प्याज हमारे जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं उसके बाद हम इसमें टमाटर कटे हुए जो हैं वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देना है और थोड़ा सा नमक डाल देना है जिससे टमाटर बहुत अच्छे से गल जाए। और साथ ही फिर मैंने पनीर लिया हुआ था और पनीर को मैंने अपने अकॉर्डिंग काट लिया था, मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस काटे थे, बहुत लोग लॉन्ग पीसेस प्रेफर करते हैं तो आप जैसा भी चाहें अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो पनीर को कट करके मैंने सेपरेट रख लिया था, आप देख सकते हैं पीसेस बहुत अच्छे से मैंने कट कर लिया था। एंड देन चलते हैं देखते हैं हमारे टमाटर को। तो टमाटर हमारा ऑलरेडी गलना स्टार्ट हो गया। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और कसूरी मेथी जो है उसको क्रश करके डाला था। कसूरी मेथी का आप यूज़ ज़रूर करें, बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू रहती है। तो इसको मैंने ऐड कर दिया था, थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया था और बहुत अच्छे से देखिए पक गया है हमारा टमाटर भी। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था हल्दी भी मैंने मिक्स कर दी थी इसमें, आप देख सकते हैं। और टमाटर देखिए बहुत अच्छे से गल गया था। और अब इसमें हम प्योरी जो हमने बनाई है पालक पनीर की वो ऐड कर देते हैं। पानी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है, आपको जैसी भी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको चावल से खाना है, रोटी से खाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम थोड़े से मसाले भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, और हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने किसी भी और मसाले का यूज़ नहीं किया है। मैंने सॉल्ट डाला इसमें और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे सबको मिक्स करके।
तो हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद देखिए बहुत अच्छे से पक गया है ढकने के बाद जब हमने देखा। अब इसमें ऐड कर देते हैं कटा हुआ पनीर। तो पनीर आप जो है आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट फ्राई करते टाइम ध्यान रहे आपको बिल्कुल रेड होने तक फ्राई नहीं करना है, एकदम हल्का फ्राई करना है। या फिर आप कच्चे पनीर का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। बट कच्चे पनीर का यूज़ करते टाइम आप ध्यान रखें, अच्छे से चलाएं धीरे धीरे, अदरवाइज पनीर टूट जाएंगे। तो देखिए मैंने मिक्स कर दिया है और मेरे पनीर बिल्कुल नहीं टूटा है, और साथ ही मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है। अभी मैं थोड़ा सा और वाटर यूज़ करूँगी इसमें, जैसा हमें चाहिए, हमें राइस एंड रोटी दोनों से खाना है तो हम इसके लिए ऐड करेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो पनीर पालक पनीर में मैं बोलूँ ज़रूरी होता है, वो है मलाई। फ्रेश मलाई आप ज़रूर यूज़ करें, या फिर आप मार्केट से क्रीम ला सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घर की मलाई का यूज़ किया। ये आपने ऐड कर दिया, इसके बाद आपको ढक देना है। पानी अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ज़्यादा कम, जैसा भी आपको खाना है। और ये हमारा बन के रेडी हो गया है पालक पनीर। बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। और ध्यान रहे अगर आप कच्चे पालक को पीस के बना रहे हैं बिना उबाले हुए, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पालक का पकना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जैसा फ्लेवर हमें चाहिए वैसा ही, अदरवाइज आपको कच्चेपन का एहसास होगा पालक का। तो बस चलिए आपको दिखाते हैं ये सुंदर सी हमारी रेसिपी, और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, खाने में भी बहुत अच्छा था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर भी करिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी सीखें और हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। चैनल को सब्सक्राइब करिए।